हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडीज़। वेल आई होप आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। वेल आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल सूप। हमने यहाँ पे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए रेसिपी को क्विकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें सारे वेजिटेबल्स वन बाय वन डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें कैरेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कैबेज जिसे हम गोभी कहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंच बीन्स। ये हम पहले इसलिए डालते हैं कि इसे थोड़ा वक्त लगता है पकने में, सो हम इसे अच्छे से पकाएंगे। हमें इसे 5 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर। नमक हमने यहाँ पे पहले इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो हमारे वेजीज है उसे थोड़ा वक्त लगता है पकने में, और जैसे हम नमक डालते हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्लास के आसपास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें हमने कैप्सिकम डाली है, जो हरी पीस होती है उसका इस्तेमाल किया है, थोड़े से स्वीट कॉर्न डाले हैं, और लास्ट में स्वीट जो स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं हमने उसका इस्तेमाल किया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम आँच पर छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा से हमने इसको मिक्स किया है और हमें वापस हम इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे। यस, दैट्स पास्ता मसाला। पास्ता मसाला, ट्रस्ट मी गाइस, आपको वो रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग देगा। इसे हम 1 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को हमें डाल के मीडियम आँच पर 2 और मिनट पकाना है। कॉर्नफ्लावर से जो हमारा जो सूप होता है उसके अंदर बहुत अच्छा एक थिकनेस आता है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। यस, ऐसी कंसिस्टेंसी हम देखते हैं रेस्टोरेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आपको बहुत बहुत अच्छा लगा है सो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए ऑन फूडीज़ वर्ल्ड 2019। तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।